की पर्ची नहीं आई, क्रिस्टल की अभी तक पर्ची नहीं आई, कम से कम की नहीं आई, 500 यहाँ पे 400 पर्ची नहीं आई, हम में से जितने खाने की पर्ची क्रिश्चियन की वोट इसलिए काटी जाती है क्योंकि लोग के दिमागों में ये चल रहा है कि क्रिश्चियन जो है वो कांग्रेस के हैं केवल, और क्रिश्चियंस का नाम कहीं लिस्ट में कहीं आता ही नहीं। और जबकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन में और स्वास्थ्य विभाग में या कहीं पे भी अगर अपना सहयोग दिया है, अपना सेवा दी है, तो क्रिश्चियन समाज ने दी है। सारी हमारी गली के यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए हमारे सारे तो गटर टूटे हुए हैं, हमारा ग्राउंड है वो पूरा टूटा हुआ है, जब तक वो नहीं बनेगा तो हम भाजपा पर कैसे भरोसा कर ले। पेमेंट लगे रहे पेमेंट, अब सड़क पूरी नहीं बनती है, छोटे छोटे पेमेंट बना देते हैं, वो भी जब कोई योगी जी आते हैं हमारे या फिर हमारे मोदी जी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ललित नाग जी ने खुल के बोला कि आप योगी जी से शिकायत कर दो, हम ना आपके यहाँ ना आएंगे ना हम यहाँ का कुछ करेंगे, ये ललित नाग जी ने बोला। ये लोग मतलब यहाँ पर भेदभाव है तो ऐसा है यूपी में या अभी भी नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, अभी भी खतरा लगता है? हम लोग तो अभी तक कहीं गए भी नहीं है, खतरा लगता है। अच्छा जी, तो ऐसे कम्युनिटी की वजह से या यूपी का माहौल ही ऐसा लगता? यूपी का माहौल ही ऐसा, डरते हैं क्रिश्चियंस बाहर निकलते हुए, डरते हैं कि कहीं क्रिश्चियन का मर्डर ना कर दे। नहीं, कौन से गुंडे, मोदी गुंडा या क्या नाम है योगी गुंडा, मेरे को तो दो गुंडे वही दिख रहे हैं जो आए। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि लगातार पश्चिम यूपी चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं और चुनाव कवर कर रहे हैं, पश्चिम यूपी में पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ विधानसभा में, मेरठ में हम कवर कर रहे हैं, कैंट विधानसभा में मौजूद हूं, मेरे साथ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। यहां की बात करें तो यहां गठबंधन प्रत्याशी हैं आरएलडी से मनीषा अहलावत जी, महिला कैंडिडेट बनाई गई हैं, तो जो कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा का घर कहा जाता है कि अभेद किला है जिसको कोई नहीं भेद पाया है, शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है, तो कितनी मजबूत स्थिति में है, कैसे देखते हैं, क्या कमियां रह गई भाजपा में, या इस बार फिर से भाजपा के साथ जाएंगे, क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है मैम, आपसे बात करें, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? अलीशा हैरी। अलीशा हैरी, तो अलीशा जी आप पहला सवाल यही जानना चाहेंगे, ये क्या लग रहा है आरएलडी में कितना दम है कि भाजपा तो लगातार कह रही है महिला सुरक्षा बहुत दे दी, आप खुद महिला हैं, अब रात में महिलाएं निकल के जाती है, लड़कियों को कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो सबसे मजबूत पार्टी है वो आरएलडी है। अच्छा। जो कि आएगी इस बार और हम सबकी सहमति है कि वही आए। अच्छा, क्या रीजन है? जब मेरा सवाल यही है कि भाजपा बार बार कह रही है महिला सुरक्षित है, तो आपको लगता है कि वाकई में महिला सुरक्षा है यहाँ पर? महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। अच्छा, भाजपा ने बहुत ज्यादा यहाँ पे दंगे करे हैं, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े करे हैं, और हमें ये सब नहीं पसंद, हमें एकता चाहिए यहाँ पे। अच्छा। और हमें चाहिए कि जवानों के लिए नौकरियाँ हों और शिक्षा के लिए यहाँ पे विद्यालय हों, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा सपा चाहिए। ये जो गठबंधन है इससे हम लोग बहुत खुश हैं, जिससे कि ये आए और हम खुश रहेंगे कि ये आए। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मैं एलिजाबेथ हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि आप किसे आप चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते, हम एक चीज बोल रही हूँ, मैं वी आर क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस को अगर आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में सबसे नीचे भी क्रिश्चियंस का नाम नहीं है कहीं पे भी। और क्रिश्चियन किसी से बोले, दो की बात होती है, हिंदू या मुस्लिम, हिंदू केवल, और क्रिश्चियंस का नाम कहीं लिस्ट में कहीं आता ही नहीं। और जबकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन में और स्वास्थ्य विभाग में या कहीं पे भी अगर अपना सहयोग दिया है, अपना सेवा दी है, तो क्रिश्चियन समाज ने दी है। किसी भी चीज में आप उठा के देख लीजिएगा, एजुकेशन के लिए लोग कॉन्वेंट में डालते हैं कि हमें सोफिया चाहिए या हमें सेंट मेरीज चाहिए या हमें सेंट जॉन चाहिए या हमें सेंट थॉमस चाहिए, आप उठा के देख लीजिए, वहां क्रिश्चियन बहुत कम होते हैं, टोटल बच्चा जो है वो हिंदूज का होता है, सबसे ज्यादा बच्चा हिंदूज का होता है। तो मैं ये एक चीज समझती हूँ, जब सारे अच्छे काम क्रिश्चियन कर रहा है तो कहीं पे क्रिश्चियन किसी की ना बुराई में रहता ना भलाई में रहता, क्रिश्चियन को ये लोग डंक भी मारते हैं फिर भी क्रिश्चियन चुपचाप होकर रहता। टारगेट किया जा रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ये कह रहा है कि पंजाब में क्रिश्चियन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, केरल में करा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, पहले मुस्लिमों पर लगता था अब क्रिश्चियन पे आ गया। मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करती हूँ, क्रिश्चियन से ज्यादा शांति प्रिय कोई भी नहीं है, इतने चर्चित तोड़े जा रहे हैं और इतने जो हमारे पास्टर और सेविकाएं करने वाले हैं उनको बेफालतू में आजकल दुआ तक करने के लिए, अगर वो लोग अपने अंदर दुआ करते हैं उस दुआ को भी रोक रहे हैं और उनको ले जाके, जैसे कि देखिए 14 साल के एक बच्चे को मार दिया, अभी एक गाना था जो 50 साल से था गाना, उस 50 साल के गाने को क्यों हटा दिया गया, जो रिपब्लिक डे पे होता था उस गाने को अचानक हटा दिया गया, कोई कॉज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उस गाने को हटा दिया। तो क्रिश्चियन से इतना दूजा व्यवहार क्यों होता है कि यहाँ के लोग कनाडा जाके रहते हैं
या अमेरिका जाके देखते रहते हैं या और कहीं जाके रहते हैं, तो क्या वो विदेशी हो जाते हैं? क्रिश्चियन जब यहीं पे जन्म लिया, उसके दादा परदादा सब क्रिश्चियन है, सब इंडियन है, तो हमें इंडियन क्यों नहीं समझा जाता? कोई आरक्षण की बात होती है या कुछ फायदे की बात होती है, आज तक क्रिश्चियन को कहीं पे भी किसी उसमें ना अच्छाई में ढूंढा ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियन के ऊपर केवल आरोप प्रत्यारोप हमेशा मौका डालते हैं कि हम किस समय क्रिश्चियन के ऊपर जो घेरे। ये लग रहा है कि आरएलडी इस बार इन लोगों के लिए कुछ करेगी। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि शायद जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने काफी फर्क कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। अच्छा, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह जी, तो क्या लग रहा है भाजपा बार कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास किया था, कह ही रही है हो नहीं पाया। हमारी हमारी गली के यहाँ से लेके वहां तक आप देखिए हमारे सारे तो गटर टूटे हुए हैं, हमारा ग्राउंड है वो पूरा टूटा हुआ है। जब तक वो नहीं बनेगा तो हम भाजपा पर कैसे भरोसा कर ले? भाजपा क्या करे, सिर्फ हिंदू हिंदू की राजनीति कर? कुछ नहीं हुआ, ये राजनीति का तो मैं कह नहीं सकती, बस ये कह सकती हूँ कि हमें को हमारा ये सब कुछ आप बनवाइए, हम उसी को वोट देंगे, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। अगर मनीषा जी करवाती हैं तो हम इन्हें वोट देंगे और हम इन्हें सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा मेरठ में, क्योंकि मेरठ कहा जाता है कि अगर मनीषा जी आती हैं और हम लोगों को सहारा देती हैं, भरोसा देती हैं, तो हम बिल्कुल उनको वोट भी देंगे और हमारा वो काम भी करवाएं। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल, ये मेरे नाम सबरीना सिंह है और मुझे पूरी उम्मीद है। एक होती है 50%, मुझे 100% उम्मीद यह है कि सपा को आना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है, क्यों आना चाहिए? देखिए उसके टाइम पर ये जो रोड पर पुलिस की 100 नंबर वाली गाड़ी घूमती है, ये उन्होंने ही करी थी, उन्हीं के उससे आई। जो बच्चों ने 12th पास आउट करा उनको उन्होंने लैपटॉप दिया। बीजेपी ने बच्चों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कह रहा 5 लाख नौकरियां दी हैं, टैबलेट्स दी हैं। 12th पास करी, मेरे बच्चों को क्या दिया? आप ये सोचिए, मेरे बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कभी फीस तक के लिए 5 पैसे का बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं क्यों बीजेपी में जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन नारा तो उनका है सबका साथ सबका विकास। आप ये बताइए, गैस सिलेंडर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, गैस सिलेंडर कितने रुपए का बिक रहा है? 900 रुपए का। 900 प्लस है। आज जो मेरे डब्बे पूरे फुल भरे होते थे राशन के, आज की तारीख में वो आधे डब्बे हैं। वाह, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। महंगाई ग्रो हो चुकी है, महंगाई। महिला सुरक्षा को लेके कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा बहुत अच्छी कर दी, रात को आधी रात को भी सुरक्षा नहीं, आए दिन आप लोग खुद देखिए ना, आप लोग तो ऑलरेडी प्रेस रिपोर्टर है, जगह जगह जाते हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं। कहीं किसी लड़की का रेप हो गया, इवन देन छोटे से छोटे बच्चे का रेप हो गया, तो क्या करा जा रहा है? कुछ नहीं, लूटपाट इतनी ज्यादा है, कुछ नहीं, इतनी ज्यादा डकैतियां। तो और एक और महिला है। अच्छा, कौन किसको चाहेंगे फिर? मैं तो सपा को चाहूंगी। सपा को चाहेंगे, मतलब यहाँ से आरएलडी गठबंधन के? बिल्कुल, आरएलडी गठबंधन के। ठीक है मैम, आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली है। रूपाली जी, तो क्या लग रहा है इस बार महिलाओं की अपेक्षा में खरीद नहीं उतरी बीजेपी? देखिए जो मेरी सिस्टर ने कहा है, बिल्कुल मैं इनकी बात में सहमत हूँ, जो बिल्कुल बात बिल्कुल सही कही है। आप इनकी बात ही रिकॉर्ड करके बताइए। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन क्या? यही राय है जो उन्होंने मेरे सिस्टर ने कहा है। अच्छा, बदलाव, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, परेशान है भाजपा से? भाजपा से परेशान, क्या करा उन्होंने? मान लिया, वो तो कह रहा है महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया कि आधी रात को जेवर पहन के। हमने वहाँ करा ही, उन्होंने यहाँ कोई सुरक्षित नहीं करा है। अच्छा, हाँ जी, अब पैसे तो छोड़ा ही नहीं, महंगाई इतनी कर दी कि पैसे छोड़े ही नहीं है, तो जेवर ही नहीं छोड़े। सही बात है, बोलना एक पॉइंट और बोलना है, बैंक में पैसे निकालने जाओ, एटीएम से पैसे निकालने जाओ, हर चीज पे अपना पैसा कट रहा है। अब हर चीज में अब अपना बैंक से भी अपना पैसा कट रहा है, क्या पैसा निकाल रहे, पैसा कट गया तो 4 बार से ज्यादा। यह 4 बार से ज्यादा नहीं, बिल्कुल लिमिट कर दी। तो कह रहा है विकास की गंगा बह रही है, कहाँ से गंगा बह रही है, विकास लाओ। आप ये सोचिए, सड़क तो पैचेस में बन रही है, सड़क के पैचेस में बन रही है, पैचेस उनके ऊपर पेमेंट लगाया हुआ है सड़कों के ऊपर, अब सड़कें नहीं बनाई जा रही है, केवल सड़क पे पेमेंट लगे हुए, पेमेंट अब सड़क पूरी नहीं बनती है, छोटे छोटे पेमेंट बना देते हैं, वो भी जब कोई योगी जी आते हैं हमारे या फिर हमारे मोदी जी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो केवल सड़कों के पे पैचेस लगा देते हैं कि यहाँ गड्ढा है, केवल इस गड्ढे को भर दो। आज तक सड़कें नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। पहला काम तो भाजपा यही गिनवा रही है अपना कि हमने रोड इतने अच्छे कर दिए, सड़कों को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा
एक साइड से ऊंची एक साइड, एक ही सड़क को दो साइड में बना दिया और पैटर्न लगा दिया। का सभासद यहाँ पे आके ये कहता है कि ईसाई लोग हमें बीजेपी को वोट नहीं देते, इसलिए ईसाइयों के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये ललित नाग जी ने बोला, ललित नाग जी ने खुल के बोला कि आप योगी जी से शिकायत कर दो, हम ना आपके यहाँ ना आएंगे, ना हम यहाँ का कुछ करेंगे। ये ललित नाग जी ने बोला, ये लोग मतलब यहाँ पर भेदभाव है। हाँ जी, भेदभाव है और बदलाव आना। क्या नाम है आपका? वंदना बड़न। सैनिटाइज नहीं होता, सैनिटाइजर भी नहीं होता यहाँ पे, नहीं होता। भाजपा लगातार एक ही आरोप कर लगाती है, पहले डेंगू वो मच्छर मार। ठीक है मैं सवाल पूछ लगा। सवाल ये है, भाजपा कह रही है कि हमने किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया, हम आ रहे थे, हमने पोस्टर देखा कि बिना भेदभाव के नौकरियां दी गई, बिना भेदभाव के काम, नौकरियां भी नहीं देते, भेदभाव देख के नौकरी देते हैं। और बदलाव लाना जरूरी है, हमारी कॉलोनी में जो हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी, सबको मिलेगी, ईसाइयों को नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि सारी एजुकेशन ईसाइयों की है। हमारे क्रिश्चियन समाज में कम से कम यहाँ पे 100 जवान ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं, हर साल 1000 रुपए 1500 रुपए उनकी फीस दी जाती है, कभी आज तक नौकरी नहीं मिली। अच्छा, आज तक नौकरी नहीं मिली। और सर जी कह रहे हैं रिश्वत नहीं चलती, नौकरी होती है। ये जितनी प्राइवेट वो चल रही है ना, 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए रिश्वत लेके खुलेआम एम्स में कहीं पे भी नौकरी खुलती है, पहले रिश्वत की बात हो जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को या योगी जी को नहीं पता कि इतना भ्रष्टाचार अंदर से करते हैं, जो नौकरियों का ठेकर लेते हैं, नौकरियों का ठेकर लेते हैं, ये भ्रष्टाचार चल रहा है। तो क्या करेंगे, बदलाव करेंगे? बदलाव तो पक्का है, पक्का है, बदलाव पक्का, बदलाव। हाँ, हमें भी चाहिए बदलाव, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। आपसे बात करेंगे पीछे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा, तो वोट आया आपका? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, लड़कियों के मामले में भाजपा ही सबसे ज्यादा ये कहती है कि हमने इतनी सुरक्षा दे दी है कि यूपी के अंदर अब रात को 2 बजे भी महिला घूम सकती है, तो ऐसा है यूपी में या अभी भी ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, मतलब अभी भी खतरा लगता है? हम लोग तो अभी तक कहीं गए भी नहीं है, खतरा लगता है। अच्छा जी, तो ऐसे कम्युनिटी की वजह से या यूपी का माहौल ही ऐसा लग रहा है? यूपी का माहौल ही ऐसा है, डरते हैं क्रिश्चियंस बाहर निकलते हुए, डरते हैं कि कहीं क्रिश्चियन का मर्डर ना कर दे। बिल्कुल सही बात है। यस यस, एक चीज बताइए, हमारे बच्चे जाते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। आप कह रहे हैं क्रिश्चियंस के साथ नहीं होता, मुस्लिमों से बात करें तो वो कह रहे हैं हमारी लिंचिंग हो रही है, तो ये सरकार फिर किसके लिए? बिल्कुल, दो जवाब पेपर देखिए, आप न्यूज पेपर देखिए, सब पता चलेगा। आप तो न्यूज रिपोर्टर हो गए, आप ये सवाल कर रहे हैं। न्यूज में पूरी रिपोर्ट आती नहीं, न्यूज भी जैसे ऐसा लगता है कि मीडिया भी बिकी हुई है। अच्छा। सारी मीडिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं देती, न सच देती, मीडिया भी जैसे बिकी हुई हो। अच्छा, तो या, तो वो तो दिखाते देखे जो आप बोल रहे हैं। ना ना ना, आपको मैं नहीं कह रही, मैं आपको नहीं कह रही, मैं आपका तो धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या करेंगे, बदलाव देखना चाह रहे हैं किसकी सरकार? सपा, सपा की सरकार, हम तो सपा। अच्छा, सपा, ऑल आर सपा, सपा, ठीक है। तो मैम आपसे जानेंगे, आप बताइए सपा, अच्छा सपा की सारे काम, सारे सपा ने अखिलेश जी के टाइम में स्टार्ट हो गए थे, सारे काम अखिलेश जी के सामने स्टार्ट हो गए थे, जो अब पूरे हो गए, अखिलेश जी ने आधे से ज्यादा काम जो अब पूरे हो रहे कर चुके थे जी। आप बताइए, पीते वो तो कह रहे हैं योगी जी के दो गुंडे आए हैं, दो युवा जो है वो गुंडे हैं, गुंडागर्दी करने आए, अखिलेश और जयंत चौधरी। नहीं, कौन से गुंडे, मोदी गुंडा या क्या नाम है, योगी गुंडा? मेरे को तो दो गुंडे वही दिख रहे हैं जो आए। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो पहली बात सुनो, मैं राजेश शहरी साकेत मिशन, मेरठ में क्रिश्चियन हूँ, सीधी सी बात है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। और देखिए, इतना बुरा हाल कर दिया है कि इतनी महंगाई है कि एक गरीब आदमी और भिखारी प्लेटफॉर्म लेके भीख मांगता है जाके सिटी स्टेशन पे, आज वो 50 रुपए का प्लेटफॉर्म लेता है तब जाके भीख मांगता है। बताइए, भिखारी को लूट रहे हैं तो और किसे छोड़ेंगे? 35 रुपए डीजल था 95 रुपए है, 100 रुपए ऑयल था 200 रुपए है, 352 का सिलेंडर था 900 रुपए है, ऐसे लूट रहे हैं ये। वो ये कह रहे हैं सरकार कह रही है कि आपको राशन फ्री दे रहा है, वैक्सीन फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है, तो कहीं से तो चाहिए हमें। मतलब पहले हम तो 50 लाख रुपए ले लेंगे, फिर हम तो 10 रुपए महीना बांध देंगे हमारे। वो तो यही कह रहे हैं, ऐसे लूट रहे हैं ये, ऐसे नहीं चलेगा। हम इस बार पक्का मन बनाए हुए हैं, पूरा क्रिश्चियन समाज, मैं राजेश शहरी और तमाम हमारे क्रिश्चियन ये मन बनाए हुए हैं इस बार RLD को, और हमारी जो है मनीषा अलावा जी हैं जो गठबंधन की सरकार में शामिल है, इनको टिकट मिला है, इस बार इन्हें जिताएंगे और इस बार यहाँ से भाजपा को भगाएंगे, सारी पर्ची नहीं आई क्रिश्चियन की, अभी तक पर्ची नहीं आई, नहीं आई, हम लोग यहाँ पे 400 पर्ची नहीं आई,
नहीं, हम में से जितने खाने किसी को पड़ती नहीं है। क्रिश्चियन की वोट इसलिए काटी जाती है क्योंकि लोग के दिमागों में ये चल रहा है कि क्रिश्चियन जो है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं जो हमारा फेवर करता है। जो हमारा फेवर नहीं करेगा तो वाई शुड आई बिल्कुल। तो पर्ची नहीं आ रही, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार, जो दूसरी कम्युनिटीज भी यही आरोप लगा रही है, जैसे सरदारों को कह दिया ये खालिस्तानी है, मुस्लिम को अलग कहा जाता है कि ये आतंकवादी है, क्रिश्चियंस के अलग समझे, तो क्या जो विदेश क्रिश्चियन विदेशी है, तो मेरा एक सवाल है, तो क्या जो ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र है, तो ये भाजपा सरकार उसी ओर चल रही है? नहीं बना सकते ना, कभी नहीं बना सकते। एक बात बताइए, नहीं कभी नहीं बना सकते, प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन हो नहीं सकता। सबका है हिंदुस्तान, सबका है, सबका होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आजाद है, ये आजाद है और क्या। चलिए तो देखिए, मैं इस वक्त मेरठ कैंट सीट पर खड़ा था, यहाँ से मनीषा अलावा जी आरएलडी की कैंडिडेट है, तो लोगों का कहना यही है कि अगर वो जीतती है तो शायद कुछ बदलाव करे, लेकिन बदलाव होगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि चाहे कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया, हर कोई वादा तो जरूर करता है, सबने आज तक वादे करे और हर बार वादा होता है, पूरी दुनिया के नेता वादे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। होगा या नहीं होगा, अगर कोई वादा पूरा नहीं करेगा तो 5 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, तो ये सब जनता अपने आप दिखा देगी। फिलहाल इस चुनाव का नतीजा बहुत जल्द आने वाला है, 1 महीना रह गया है, तब तक आप लोग भी इंतजार करें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।